Hi, my name is RAJ VADGAMA and make marathon coach. So I have done so many marathon, ultra marathon across the India. I used to be an interior designer. Then I realized that fitness is my passion. I wanted to convert my passion into profession. So I started my company that's called Extreme Sports India from last 5 years. And I have trained so many people. Along with this journey, कुछ fortunately अच्छे खासे run कर चुका हूँ मैं. With the MDTV हमने अहमदाबाद बॉम्बे run किया, then दिल्ली से बॉम्बे run किया. पोखरण desert में 160 किलोमीटर in April, around 50 degree temperature में वो run हुआ था. दो national record है. So I'm the first Indian who did 100 किलोमीटर in Ladakh. Second, the biggest run जो इंडिया में एक ही run है. Raj Vadgama, the man who did cross-country literally, traveling 10,000 kilometers through India during his marathon, which started from Bombay to Ladakh, Ladakh to West Bengal, West Bengal to Kanyakumari, and Kanyakumari to Bombay. 165 days, 60 kilometers per day ka average aaya tha. Then ek run hai, jo La Ultra the High, that is 111, 122 and 333. So I decided to participate in 222 km. La Ultra ka challenge ek different level ka tha kyunki usko cut-off time mein aapko complete karna hai, like 222 km in 48 hours. Is tarah ke race ho, usme bahut sare expenses hote hain. So I thanks from bottom of my heart to Edelweiss jinhone mujhe support kiya ye run ke liye, jinki wajah se aaj main ye run kar paya. Meri family bhi aane wali thi, my son who is going to support me. इस तरह के रन में आपको किसी क्रू की जरूरत पड़ती है. आप अकेले ये ऐसा रन नहीं कर पाते. Someone has to be there who support you. Someone has to be there who can look after your water content. You can look after for your food. आपको कंफर्ट देखे ताकि आप फोकस कर सको रनिंग के ऊपर. अरविंद करके जो है, अरविंद बिजवे, मेरा खास दोस्त है पुणे में. अरविंद हिमसेल्फ इज़ अ गुड रनर है, अल्ट्रा रन कर चुका है. तो मैंने उसको फ़ोन किया तो ही सेड चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा. सो गाइस, अरविंद इज देयर फॉर द सपोर्ट फॉर 222 किलोमीटर. Cheers. This is going to be exciting. Yes, huh? Definitely. 17th August को रन था. अरविंद आया वहाँ पे 15th August को. My son and my family they came on 16th. तो just 24 hours acclimatization. कहीं ना कहीं एक दिन 24 घंटे में difficult हो जाता है. तो कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ स्टार्ट हो गई थी. ट्रिपल टू 222 किलोमीटर इन 48 आवर्स में आपको ये रन कंप्लीट करना है. थ्री कट ऑफ टाइम होते हैं. 25 किलोमीटर यू हैव टू कंप्लीट इन 4 आवर्स. सेकंड 23 किलोमीटर यू हैव टू कंप्लीट इन अगेन 4 आवर्स. एंड देन 30 किलोमीटर. ऑफ कोर्स आपकी लंग कैपेसिटी बहुत डेवलप हो जाती है जब आप रनर रनिंग करते हो इतने सालों से. तो 10,000 फीट पे जब रन स्टार्ट हुआ, 25 किलोमीटर कट ऑफ टाइम मुझे पता था कि मैं वो रन 3.5 घंटे में कर लूँगा. एंड डॉट 3.5 घंटे में 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक वो रन कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड पॉइंट था, 12,000 फीट से आपको नॉर्थ पोलू पहुंचना है. नॉर्थ पोलू 15,000 फीट पे. सो जब रात को 11:30 से लेके आपको अगर सुबह 4 बजे तक वो रन कंप्लीट करना है 23 किलोमीटर का, तो एक तो हाई एल्टीट्यूड होगा प्लस आपकी नींद का टाइम हो गया. तो ये कहीं ना कहीं माइंड में था कि वो 4 घंटे में ख़त्म नहीं होगा. तो भी मेरे पास 30 मिनट जो पहले बचे हुए थे वो मैं यूज़ करता. तो एग्जैक्टली सेकंड जो था वो 4.5 घंटे में ख़त्म हुआ. जो नॉर्थ पुलू से लेके साउथ पुलू तक, दैट इज़ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है. वो डिस्टेंस ये था कि 15 किलोमीटर आपको के टॉप लगेगा, खारदुंगला टॉप, एंड 50 किलोमीटर आपको डाउन जाना है साउथ पुलू. इनका एक रूल है जो 78 किलोमीटर आपको 15 आवर्स में कम्प्लीट करना है. 78 किलोमीटर तक यू आर ऑन योर ओन. आपको अपनी बैकपैक लेनी है, अपना खाने का सामान लेना है, अपना पानी लेना है और अकेले ही रन कंप्लीट करना है. 78 किलोमीटर के बाद ऑर्गेनाइज़र की एक पर्सनल कार मिलेगी जो आपके लिए होगी, प्लस आपके पर्सनल क्रू भी आ सकते हैं. ये था कि मैं ये 78 किलोमीटर के बाद तो मुझे मॉरल सपोर्ट मिलेगा बिकॉज माई सन इंद्रजीत, माई वाइफ, फैमिली थे, मेरे पर्सनल क्रू थे, प्लस अरविंद. तो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे तो मुझे ऊपर चढ़ने में लगे 15 किलोमीटर. सो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है अनएक्सपेक्टेडली. जैसे ही मैं के टॉप पे पहुंचा, इंद्रजीत मेरे बेटे ने सोचा कि चलो मैं इनका एक शूट ले लूं,
ऊपर पहुंचे तो, एंड ही रेन दैट 50 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 50-60 मीटर उसने रन किया वहाँ से. तो प्रॉब्लम यह आ गया कि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 50% कम हो गया. वो उसे ऑक्सीजन दिया गया और उसे इमिडिएटली साउथ पोलो भेजा गया. तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे नेगेटिव थॉट आने लगे. और नॉर्थ पोलो से साउथ पोलो का जो रास्ता है वो अनइवन होता है, यहाँ पे पत्थर और पेबल्स हैं. और किसी एक पत्थर के ऊपर मेरा पैर गिर गया और बराबर मेटाटार्सल पे लगा, तो बहुत ही दर्द हुआ. देन मेरा रनिंग पैटर्न चेंज हो गया. अब डिफ़िकल्ट ये था कि किसी भी तरह से मुझे थर्ड कट ऑफ जो है वो 15 आवर्स के अंदर कम्प्लीट करना है. अरविंद आया, बोला राज, बोला तेरे पास सिर्फ 26 मिनट बाकी है और 4 किलोमीटर रन है. मेंटली थक चुका था क्योंकि इंद्रजीत बेटे का दिमाग में टेंशन था. एंड ये था कि किसी ने आपके ऊपर भरोसा रख के आपको सपोर्ट किया है, अगर ये नहीं कर पाया तो क्या होगा. तो कहीं ना कहीं फेलियर जैसा एक टैग नहीं लगना चाहिए. हमने 4 किलोमीटर जो है वो इतनी स्पीड में रन किया डाउन हिल पर, एंड 3 मिनट पहले कट ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया. अब 78 किलोमीटर हो गया तो एक मेंटली आप फ्री हो जाते हो, आपके पास कार है, आपके पास अरविंद जैसा स्ट्रॉन्ग रनर है. रन धीरे 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 करते गए तो 111 किलोमीटर हो गया, जो स्पिटुक करके एक एरिया आता है जहाँ पे 111 किलोमीटर कंप्लीट होते हैं. जो स्पिटुक से लेके नेक्स्ट 50 किलोमीटर का रन है, 160 किलोमीटर पे जाना है, जो सेरथी करके था विलेज, वहाँ पे अगेन उनका एक बेस कैंप था. लद्दाख में ऐसा होता है कि रात अंधेरा हो गया तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एक आदमी नहीं दिखेगा, आप अकेले वॉक कर रहे हो, आप अकेले रन कर रहे हो. ऐसे करते करते हम लोग 160 किलोमीटर पे पहुँचे, जो अप्रोक्सीमेटली कुछ सुबह के 4 बजे थे. तो सेरथी अगेन 12,000 फीट पे है, सेरथी से लेके वारीला पास, तो वारीला पास ये 17,000 फीट अबव सी लेवल, 12,000 से आप 17,000 फुट, 5,000 फुट ऊपर जाना है. कुछ 180 किलोमीटर तक करने के बाद में बहुत पैर में दर्द होने लगा. अब कहीं ना कहीं मुझे डर था कि ब्लिस्टर हुआ रहेगा, और ब्लिस्टर अगर हो जाएगा तो फिर एक तो मेटाटार्सल की इंजरी, मैं अपना रनिंग पोस्चर कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहा हूँ. तो जैसे ही शू निकाला किसी की आवाज़ मेरे कान में आई, अब ये कैसे रन करेगा, अब मुझे भी डर लग गया. देन डॉक्टर ने पूरा क्लीन किया, ब्लिस्टर थे वो सब ब्लिस्टर तोड़ दिए, स्किन निकाल दी. अब जैसे ही मैंने रन स्टार्ट किया और ऐसा लगा कि रन शायद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ऊपर जाना है, आप थके हुए हो, 40 किलोमीटर बाकी है जिसमें से 10 किलोमीटर ऊपर जाना है. तो जो बंदा था अमित कुमार, जो काफ़ी आगे था हम उन सबसे, वो मुझे मिला. उसने बोला कि आगे का करीबन 6-8 किलोमीटर रोड ही नहीं है. तो फिर टेंशन आ गया, रोड नहीं है मतलब कैसे करेंगे, इंजरी है. हमेशा लोग हमें पूछते हैं कि अल्ट्रा रनिंग क्यों करते हो, बस इसी चीज़ के लिए अल्ट्रा रनिंग किया जाता है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो अगर आपके सामने आ गया तो आप कैसे खड़े रहते हो उसके सामने. सो देन चल निकले आगे. माइलस्टोन जो आता है, यहाँ पे लिखा होता है कि आपको 2 किलोमीटर बाकी है वारीला पास को, 1 किलोमीटर बाकी है. जैसे ही वारीला पास 0-0 आया, मुझे लगा कि यार कुछ वहाँ पे उनका सपोर्ट सिस्टम रहेगा, तो नहीं है. उनके एक बंदे ने आके बताया कि नहीं, और आपको ऊपर जाना है, 22 का जो 2 किलोमीटर है वो वहाँ पे उन्होंने एडजस्ट किया था. तो जो 2 किलोमीटर था वो 2 किलोमीटर आपको 1 किलोमीटर ऊपर जाना है और 1 किलोमीटर नीचे आना है. और वो रोड तो आप पूछो मतलब, वो रोड था ही नहीं, ऐसा लगता था कि आप स्क्रॉल करके 4 पैर पे चले जाओ. अब जान निकल गई थी. देर इज़ वेरी नाइस टैगलाइन ऑफ ला अल्ट्रा, फेलिंग इज़ नॉट अ क्राइम, अ लैक ऑफ एफर्ट इज. ये होता है कि आप इतने थक चुके होते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप गिव अप कर दो, आपको पता होता है कि आपको इंजरी है एवरी स्टेप जब आप डालते हो और आपको पेन हो रहा है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप छोड़ दो, या कहीं ना कहीं लगता है कि ये हो नहीं पाएगा. बट अगेन फिर आप अपनी ट्रेनिंग को याद करते हो, आप ये देखते हो कि आपका गोल क्या है, आप ये देखते हो कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग एट यू. जब आप रन कम्प्लीट करके आओगे दे लुक एट यू के आप उनके मोटिवेटर हो और आप फेल नहीं हो सकते हो. And he's looking fresh. I did only 84 kilometer. I am double dead than him. And look at the man. 30 kilometers to go. 210 kilometer के आसपास का time था. Race organizer का एक photographer था. तो he shouted at me, okay Raj, सामने देख लो, video shoot करना है.
तो जैसे मैंने ऊपर देखा, आई सेड अरविंद हम लोग ने रास्ता गलत कर लिया है। तो अरविंद के बोल नहीं राज यही रास्ता है। बोला पॉसिबल ही नहीं है, हम 5 घंटे पहले भी यहीं पे थे और 5 घंटे के बाद भी यहीं पे है। तो जो हेलुसिनेशन की जो बात होती है वो यहाँ पे होती है कि आपको लगता है इतने ह्यूज माउंटेंस है और हर माउंटेन एक ही जैसा है और इतने बड़े कि आपको लगता है कि आपकी हस्ती कुछ नहीं है। तो बस फिर जर्नी ख़त्म होने की थी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। लास्ट में कुछ 500 मीटर बाकी था। तो ऐसा होता है कि आप कितने भी थके हो अगर आपको फिनिश लाइन दिखती है तो आप स्पीड करते हो। एंड आई स्टार्टेड रनिंग एंड आई थॉट कि मैं जाके वहाँ पे आई विल शाउट लाउडली के 10 मैंने कर दिया है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। द मोमेंट आई क्रॉस द फिनिश लाइन आई फेल डाउन एंड देन आई किस द अर्थ, मदर अर्थ को, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। पता नहीं वो एक्साइटमेंट थी फिनिश करने का, एक अचीवमेंट का एक ये था। सो दिस इज़ द रनर हाई कि यू अचीव समथिंग, यू आर इन अ ट्रांस। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ। रनिंग आपने इट्स रनिंग ओवर, आप बोलते हो ना कि इट्स माइंड ओवर मैटर, तो ये दिमाग से रन नहीं होता है। ये सिर्फ आपका फिजिक अच्छा है, आप स्ट्रांग हो, इसलिए रन नहीं होता है। वॉट एवर यू डू, यू शुड डू विथ योर सोल, माइंड एंड बॉडी। अगर ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना, बिलीव मी यू कैन विन द वर्ल्ड। सो दिस इज नॉट द एंड। कोई पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट, तो देर इज अ लॉट ऑफ, और भी है 333 किलोमीटर। आई एम कमिंग देयर।